नमन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का मतलब रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि आपका संबंध आपकी चेतना से, आपके अस्तित्व से, आपके अपने से, स्वयं से आप जुड़ जाते हो, जो कि अनंत सुख का धाम है, और उसको आप प्राप्त कर लेते हो। इसका मतलब स्नेह स्नेह आप मुक्ति की ओर बढ़ते हो, ब्लिस की ओर बढ़ते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वह विषय कुल शिक्षा प्रणाली की। हम कुछ पिछले युग के अंदर आपको ले जाते हैं, आज से जो है सैकड़ों वर्ष पुराना, जो कि आदर्श शिक्षा प्रणाली थी। कि हमारे पुराने जमाने में भारतीय संस्कृति के अंदर चार जो है वो वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में जो हमारी जो आश्रम व्यवस्था भी थी, उस समय में 100 वर्ष की उम्र गिनी जाती थी। तो है शरेद शतम, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति 100 वर्ष जीता था पहले, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में रहता था और प्रकृति उसके भीतर एक इम्यून सिस्टम लगा करके, यूनिबिल्ड सिस्टम लगा करके भेजती थी। वो शर्त थी उसके साथ में हमारी प्रकृति की, तुम मेरी गोद में रहोगे, तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, तुम प्राकृतिक जीवन जियोगे। तो तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की थी, और 100 वर्ष की उम्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, जो कि आज का हमारा विषय है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जो कि 25 वर्ष की अवस्था तक ली जाती थी। और 26 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ आश्रम हुआ करता था, जिसके अंदर ब्याह शादी करके अपने बाल बच्चे होकर के बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा करना वो उत्तरदायित्व होता था। और जब वो पूरा हो जाता था 50 साल की अवस्था के अंदर, 51 से 75 साल तक वानप्रस्थ जीवन होता था। मैंने भी गुरु कृपा से 55 साल की उम्र के अंदर वानप्रस्थ ले लिया था। 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन बड़े आनंद के साथ जी रहा हूँ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए, घर से दूर, वो परार्थ की चेतना पे काम करता है, वह परस्परोपग्रह जीवानाम की चेतना से काम करता है, और वह जो है लिव एंड लेट अदर लिव्स के फॉर्मूले पर चलता है। और 51 वर्ष से और 75 वर्ष से 100 ईयर्स तक जो है वह संन्यास आश्रम हुआ करता था। और आज हमारे संविधान में संन्यास लेने की उम्र जो है 9 वर्ष के बच्चा, जो जिसको कि हमारी जो संविधान के अंदर जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, 9 वर्ष का बच्चा संन्यास ले सकता है। यानी संन्यास के अंदर कोई उम्र का फर्क नहीं रहता था, कोई उम्र की बात नहीं होती थी। ये तो हमारी आश्रम व्यवस्था के अंदर बताया गया संन्यास आश्रम का मैच्योरिटी होने पर। तो भाई और बहनों, पहला आश्रम जो हमारा है ब्रह्मचर्य आश्रम, वह गुरुकुल एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ था। उसका हम आज विवेचन करेंगे कि हमारे चारों वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अलग अलग गुरु होते थे और वो अलग अलग तरह की शिक्षा देते थे। सब गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, और इन आश्रम के अंदर जो है जिसको जैसी शिक्षा लेनी होती थी वो सभी तरह के विद्यार्थी जाते थे, और वो सम, शम और श्रम के जो है सिद्धांत के ऊपर काम करते थे, उन गुणों को प्राप्त करते थे। विद्या ददाति विनयम के गुण पर प्राप्त होते थे, उनको गुण दिए जाते थे। मुख्य पुरानी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल में और आजकल की शिक्षा प्रणाली में अंतर यह है कि पुराने समय में शिष्य और गुरु परंपरा बहुत ही सुंदर थी, और उस परंपरा के अंदर रह कर के जो है वो गुरु अपने उसको शिष्य को बच्चे के समान समझ करके, पुत्र के समान समझ करके, उसको सभी तरह की जो शिक्षा का वो जैसे अधिकारी है, ब्राह्मण है तो ज्ञान दिया जाता था, क्षत्रिय है तो उसको जो सुरक्षा यानी जो है सैन्य बल वगैरह, तीर भाला
और पिस्तौल ये सिखाया जाता था। वैश्य है उसको कृषि असी मसी और कृषि यानी खेती बाड़ी का काम है और जो है बिजनेस का काम है, लेन देन का काम सिखाया जाता था। शूद्र है उसको सारी सेवा का कार्य जो है शूद्र को दिया जाता था। समाज में जितनी सेवा होती थी शूद्र करता था। और उस गुरुकुल एजुकेशन में सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि सबके गुरुओं के आश्रम है नदी के तट पर बसे हुए होते थे और पर्वतों की गोद में होते थे और वहाँ पर हरियाली और वहाँ पर चहकते हुए जो चिड़िया मोर और पशु पक्षी सभी वो वहाँ नाचते रहते थे। पूरा प्राकृतिक जीवन, हरियाली का जीवन, सीनरी का जीवन, उस प्रकृति के बीच में रह करके स्वयं सारा कार्य अपने हाथ से करना यानी लकड़ी भी जो है वो बाहर से लाना, भोजन पकाना वो लकड़ी से करना और जो है सब मसाले वगैरह आटा वगैरह खुद हाथ से तैयार करना, पूरा जीवन श्रमशील होता था। तो उस प्रकृति गोद में श्रमशीलता के वातावरण में रह करके बच्चा जो है उदंड नहीं होता था। बच्चे में कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता था, कभी अहंकार नहीं आता था, क्योंकि गुरु विनयशील होते थे और गुरु सबसे पहले ज्ञान देने पर उसको विनय का ज्ञान देते थे। गुरु की सन्निधि में रहते ही वो विनय सीख लाता था और उनको बताया जाता था कि विनाश का कारण है वह अहंकार है, उसको सबसे पहले छोड़िए, वो सबसे पहले उस पर कुठाराघात किया जाए, वो छुड़ाया जाता था। गुरुकुल एजुकेशन और आज की एजुकेशन में बेसिक डिफरेंस ये है, आज डिग्री दे करके और व्यक्ति को अहंकारी बनाया जाता है। पुराने ज़माने के अंदर वह डिग्री तो प्राप्त करता ही था, उसको पंडित बनाया जाता था। विद्वान और पंडित में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो विद्वान होता है वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है और वो शास्त्रों का ज्ञाता होने पर अहंकारी भी हो जाता है। जरूरी नहीं हर एक अहंकारी हो, लेकिन अहंकारी हो जाता है। जबकि विद्या ददाति विनयम के सूत्र पर चलने वाला कभी भी अहंकार नहीं होता है, लेकिन जो प्रज्ञा जगत में काम करने वाला होता है, जो विवेके धम्ममाय के जो सूत्र पर काम करने वाला होता है और जो प्रज्ञा चक्षु होता है स्थित प्रज्ञ होता है, जो कि हमारे अवचेतन मन के स्तर पर काम करने वाला होता है और वो भावनात्मक विकास के स्तर पर काम करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है, इंट्यूशनल कहलाता है। और उस व्यक्ति में कभी अहंकार नहीं आएगा, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती थी, वो प्रज्ञा का संसार है और वो विनयवान होगा और किसी को दुख नहीं देगा, किसी का शोषण नहीं करेगा और वो अहंकार नहीं करेगा, अपने आप को सुपीरियर नहीं मानेगा, वो तो लोक कल्याण के अंदर अपना जीवन लगाएगा। ये बेसिक डिफरेंस को जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन वर्तमान की एजुकेशन में है, आज वर्तमान की एजुकेशन का हमारे नरेंद्र भाई मोदी की कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति लाए हैं, उसके अंदर हमारी गुरुकुल एजुकेशन का काफ़ी हद तक समावेश किया गया है। उसमें राष्ट्रीय चरित्र की बात की गई कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, यानी विद्यार्थी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सत्व गुण जो है वो डाला जाना चाहिए, उसके अंदर जो विनय पैदा की जानी चाहिए, उसके अंदर अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, ताकि कि वह विद्या ग्रहण करके समाज के निर्माण का कार्य करे और अपने अहंकार के वशीभूत होकर के अपराधी न बने, आतंकवादी न बने और उस विद्या का दुरुपयोग नहीं करे। आज देखिए कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे समाज में भी देखिए, जो बेचारा कम पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति है वो बहुत कम अपराध करता है, लेकिन पढ़ावित लिखा व्यक्ति कितने कितने अपराध करता है, एटीएम उखाड़ देता है। वो आज जो नई टेक्निक वो टीवी पे सीखता है उसको अप्लाई करता है, एटीएम उखाड़ता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा करता है, आतंकवाद करता है, रेप करता है और कितने कितने और अपराध में आप जाकर के देखिए कितनी मिलावट करता है, मसालों में मिलावट करता है, घी तेल में मिलावट कर लेता है, दवाइयों में मिलावट कर देता है। ये क्यों आती है? ये इसीलिए आती है कि उसने विद्या का शिक्षा का दुरुपयोग किया है, उसने उसके मूल हार्द
विनय को या गुरुकुल प्रणाली के मूल हार्द गुणों को जो है वो प्राप्त करना, वो उससे दूर हट गया। क्योंकि शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। हमारे और पशु के बीच में भेद रेखा है, यह शिक्षा की है। और वो शिक्षा प्राप्त नहीं है पशु और हम शिक्षा प्राप्त हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। शिक्षा प्राप्त करने से हमारे भीतर सज्जनता का गुण आएगा, दुर्जनता का गुण तिरोहित होगा और हम दूसरे किसी को कष्ट नहीं देंगे, दूसरों का बड़ों का सम्मान करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी हमारे में विनय डेवलप होगी। तो ये फिर प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा नीति के अंदर जो दोष आ गए हैं उन दोष को हटा करके पुनः स्टूडेंट को विनयशील बनाना और राष्ट्रीय चरित्र की भावना पैदा करना और रोजोन्मुखी बनाना। रोजोन्मुखी हमारी जो पहले की गुरुकुल प्रणाली थी, क्योंकि वह प्राप्त करके जब गृहस्थ जीवन में आता था तो वहाँ पर इतना बड़ा साइंस डेवलप नहीं था, उसको अपना घर का जो पुस्तैनी कार्य है वो करता ही था, करना ही होता था। लेकिन आज साइंस के डेवलप के साथ साथ में इंसान जो है वो उनको साइंस के यंत्रों का उपयोग करके भी बहुत कुछ बदलाव लाया है। हम साइंस के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु हम तो ये बताना चाहते हैं कि विज्ञान गति देता है और जो हमारा दर्शन है अध्यात्म वो दिशा देता है। दिशा जरूरी होता है, हमारा सनातन सत्य है वो दिशा के आधार पे, वो दृष्टि विज्ञान पे आधार है। हम और कुछ नहीं करते, मात्र आपकी जो कुबुद्धि है, आपकी जो दृष्टि बिगड़ गई है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ आपके भीतर पैदा हो गई है कि मैं तो शरीर ही हूँ, और शरीर को समझ करके मैं और मेरा के आधार पे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं किसी का पति, मैं किसी का जो बेटा, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, और यूं करके अहंकार को स्थान देता है। मैं आई प्लस माई इज इक्वल टू जो है वो आपकी जो है बॉन्डेड सोल इज इक्वल टू अज्ञान, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर। आई में से माई को निकाल दीजिए, माई देखिए यह घर मेरा है, इसका मतलब यह कहने वाला दूसरा है और मेरा घर कहने वाला अलग है, यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब इस भेद विज्ञान को मान लेते हैं, इस भेद विज्ञान को हृदयंगम कर देते हैं और हमारी अनुभूति में ले आते हैं, सबसे बड़ी हमारी जागृति होनी चाहिए। जागृति हमारे चेतन तत्व की तरफ होनी चाहिए, हमारे भीतर जो प्रभु है, जो भगवान है और जो कि मुक्ति प्राप्त करने वाला है, वो ब्लिस उसकी उसका गुण है, और उसको उस ब्लिस के गुण को प्राप्त करने के लिए जो उसके भीतर कर्मों का जो पर्दे आए हैं वो हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा जो विषय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का है, यानी वह शिक्षा प्रणाली रोल मॉडल थी, वह जीवन में गुणों को स्थान देती थी, मूल्यों को स्थान देती थी और सब अवगुणों को हटा देती थी, सब अज्ञानता को हटा देती थी। इसी कारण वह बहुत ही अनुकरणीय है गुरुकुल शिक्षण प्रणाली, और आज भी उतनी वायबल है, सस्टेनेबल है और ग्रहणीय है जितनी वो पूर्व जमाने के अंदर जो इसका समय था उस समय में हुआ करती थी। तो एक सुंदर व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है और वह हमें लागू करनी चाहिए और कोशिश भी की जा रही लागू करने से, और जब ये लागू हो जाएगी तो नए हमारे विद्यार्थियों का निर्माण होगा, वो ऐसे अच्छे लोगों का निर्माण होगा जो कि बुराई और भलाई के बीच में भेद रेखा खींच सके, बुराई से दूर रह सके, भलाई की वो स्थापना कर सके, वो प्रतिष्ठा कर सके। तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर जो आज शिक्षा प्रणाली का इतना बहुत ज़्यादा महत्व है, और कई कई युग बीत गए, सदियां बीत गई और आने वाले समय में सदियां और बीत जाएगी, लेकिन उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जो मेरिट्स है, उसका जो ज्ञान है और उसके अंदर जो अच्छे तत्वों का समावेश है, उसका आज भी उपयोग है। और आज ये सरकार भी चिंतन कर रही है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ मिसिंग हो गया है,
भावात्मक विकास जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो किया नहीं जा रहा है। भावनात्मक का विकास का मतलब होता है व्यक्ति को इंट्यूशनल बनाना, व्यक्ति को जो है आत्मा के जगत में ले जाना, व्यक्ति को अपने अस्तित्व की खोज कराना, व्यक्ति को ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए अपने दिमाग में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन तीन प्रश्नों का समाधान, तीन प्रश्न जब दिमाग में खड़े होते हैं तब अध्यात्म जागृत होता है, तब जो है ये हमारा रियल पुरुषार्थ जागृत होता है, दृष्टि विज्ञान जागृत होता है। और जब ये जागृत हो जाता है तो स्नेह स्नेह जो है हम मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। मुक्ति हमारे भरत क्षेत्र में अभी बंद है, लेकिन महाविद्या क्षेत्र में हमारे इस जो है वो भरत क्षेत्र को जो है देखने वाले सिमंदर स्वामी भगवान हैं, उनकी चरणों में जाते हैं हमें तो बहुत जल्दी मुक्ति जो वो मिल जाती है। और हम प्रण भी यही कर रहे हैं, प्रयास भी यही कर रहे हैं कि हमारा संबंध है सिमंदर स्वामी के साथ में हो जाए। वो संबंध प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान को हाजिर करना होगा, हमें जो है अपनी सज्जनता को लाना पड़ेगा, मनुष्यत्व को लाना पड़ेगा। और जब हम ज्ञान को हाजिर करेंगे तो उसके साथ साथ में हमारी जो पांच आज्ञा हैं वह भी लागू हो जाएगी। और जब ये पांच आज्ञाओं का सही तरह से हम जो है समाधान कर देंगे, ऐसा बताया जाता है कि अगर पांच आज्ञा की जागृति 70% तक व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो व्यक्ति जो है इसी जन्म में या आने वाले एकाध जन्म के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है। इतनी जो है इसकी बहुत पावर है। तो इसलिए भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कि हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कितनी उत्कृष्ट थी, उसके अंदर हमारे जितने मूल्य थे उन सब मूल्यों की स्थापना की जाती थी, उन मूल्यों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। इसके कारण हम किसी व्यक्ति को वहाँ पे मूल्यों का प्राथमिकता नहीं दे करके हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं, हम परस्पर करो जीवान जीवान नाम की बात करते हैं। और जो दूसरा जो है उसके साथ में हमारा जो दृष्टि विज्ञान है उसका उपयोग करते हैं, यानी हम ज्ञान को स्थान देते हैं। तो भाई और बहनों, हम आकर के इसको बात को समझें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत उपयोगी शिक्षा प्रणाली थी, उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाहिए और उसके अंदर जो व्यक्तिगत मूल्य थे उन मूल्यों को हमें पुनः याद करना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। जो वो मूल्य आज हमारे मिसिंग हो गए, उसी कारण आज हम जो है चारित्रिक जो है वो चारित्रिक उत्थान की बात नहीं कर पा रहे हैं। एक जो है हमारा राष्ट्रीय चारित्र बनाने की बात है तो वो हमें की जानी चाहिए और हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अतः भाई और बहनों, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक रोल मॉडल थी। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो जितने भी बड़े बड़े उनके जो संतान हुआ करती थी वे समस्त जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को अर्जन करते थे और उसके बाद उसको जो है सेवा के रूप में समाज के साथ में जोड़ा करते थे। तो समाज के साथ के अंदर इसको जोड़ने के कारण जो है समाज के अंदर एक ये भावना पैदा होती है कि हमें तरक्की करनी है। तो हमारे जो है भीतर दोनों तरह के रोल मॉडल है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मॉडल है और एक जो है हमारे चेतन तत्व आत्मा का जो है भगवान का जो हमारा कहना चाहिए रोल मॉडल है या उसका जो तत्व है वो हमारे सामने है तो उसका समाहित किया जाना चाहिए। आज अगर हम अपने दैनिक जीवनचर्या में पुरानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जोड़ें और आज हम कोशिश करें तो ऐसे विद्यालय है या इस उन विद्यालयों के अंदर हम जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समावेश कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। तो उसके अंदर अगर समावेश हो जाता है तो हम आसानी से जो है वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के जो भी जो गुण और दोष है उनकी प्राप्ति कर सकते हैं और इस कार्य के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो एपिसोड है वो शिक्षा प्रणाली को पहले हमने जिस तरीके से व्याप्त किया था और जिस तरीके से हमने जो है उसको तारतम्य तादात्म्य रूप में
लिया था, तो आज मैं पुनः उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन काल के अंदर अभी जो है इतने इतने नए नए जो उपसर्ग आ रहे हैं, उन सब उपसर्गों को, उन सब उपद्रवों को जो है, जो हमारा कोरोना रूप के अंदर है या और कोई रूप में, उन सब को जो है हमें जो है वो उनका समाधान करने के लिए हमें हमारे अस्तित्व पर, हमें हमारे प्राप्त ज्ञान के ऊपर अधिक ध्यान दिया जा रहे हैं हम उसके अंदर। तो भाई और बहनों, आइए आज गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो कि हमारी एक रोल मॉडल है, उसको हम आज जो है हमारी छोटी स्कूलों हैं उसमें कुछ हद तक जो है डालने कोशिश करें। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत जो है सटीक है, बहुत आनंदमय है कि वहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में जा के बच्चा 25 वर्ष की अवस्था तक रुक कर के पूरी जो शिक्षा ग्रहण करता था, तो उस शिक्षा के साथ के अंदर ग्रहण करने से व्यक्ति प्रकृति की गोद में रहता था, व्यक्ति जो है वो अलग स्थान पर रहता था, इसीलिए जो है वो अधिक परिश्रम करके और जल्दी सत्य को प्राप्त कर सकता था। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि आज का जो हमारा विषय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का है, यह एक समसामायिक विषय है। इसके आधार पे हम वर्तमान की जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान भी उस तरह की एजुकेशन दे करके हम कर सकते हैं। तो हमें उस ऐसी एजुकेशन को समझना चाहिए और उस एजुकेशन का समावेश सरकार ने वर्तमान शिक्षा नीति के अंदर किया है और उसके बारे में हमने बहुत सी जो है वेबिनार्स को भी देखा है। तो ये एक सुंदर गुण है, ये अच्छा गुण है कि अहिंसा का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होना चाहिए और उसके साथ साथ में हमारा जो जीवन है उस जीवन को अच्छा जो है बनाने के लिए हमें थोड़ा जो है वो हमारे जितने भी संस्कार है उनको ठीक किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए आज हम जो है हमारी जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उनको अगर जोड़ा जाएगा तो हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली जिसमें भावनात्मक कोशेंट, जिसमें इमोशनल कोशेंट कहा जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। उसको जोड़े बिना हमारे जितने भी गुण हैं, हमारे दोष हैं, जिसको हम क्रोध मान माया लोग कहते हैं, कषाय कहते हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। तो उसके अंदर वो जोड़ा जाना चाहिए। तो जिस तरीके से हम जो है वह वर्तमान और भूत दोनों का समन्वय करके एक होलिस्टिक आंसर ला सकते हैं, होलिस्टिक स्थिति ला सकते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम में आपको बहुत से मेरिट्स मिलेंगे, बहुत से गुणों को बताया जाएगा, बहुत सी शिक्षाएं दी जाती है, ताकि कि आपको जो है जो दृष्टि विज्ञान मिले, आपको रियल पुरुषार्थ मिले और आप अपने अस्तित्व के साथ में जुड़ करके और धीरे धीरे अपने परिवार के साथ रह करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सको। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत